हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल का सभी में। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती जो है नेहरू की भर्ती है। इसमें टोटल पोस्ट है 428 में टोटल पोस्ट है। इसमें जो है मेल की जो पोस्ट है 328 पोस्ट है टोटल, और जो फीमेल की पोस्ट है इसमें 37 पोस्ट है टोटल, और जो LDCE मतलब इसमें डिपार्टमेंट की पोस्ट है मतलब LDCE मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें मतलब डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं टोटल 64 पोस्ट है इसमें, 64 पोस्ट है टोटल मतलब 429 पोस्ट है इसमें टोटल। जो है इसकी भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती है ये, तो इसकी मैं जो है इसके बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ, और इसकी जो है कट ऑफ बताऊँगा इसकी जो है कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसमें जो है एज लिमिट मानी गई है, इसमें जो है एज लिमिट जो मांगी गई है 18 से 25 वर्ष है इसमें एज लिमिट। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है 18 से 25 वर्ष मांगी गई है, और जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसमें योग्यता है, इसमें जो है योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है। इसमें योग्यता आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इसमें। इसका जो है PST इसका जो है PST चला था, PST मतलब इसका जो है कम्प्लीट हो चुका है। इसका जो PST चला था 13 जुलाई 2022 से 5 अगस्त 2022 था इसका जो है PST चला था, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था इसमें। इसका जो है PST जो है कंप्लीट हो चुका है, PST एग्जाम जो है इसका जो है कम्प्लीट हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम भी इसका जो है कम्प्लीट हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था इसका 30 जुलाई 2023 को हुआ था इसका एग्ज़ाम, और 6 अगस्त 2023 को हुआ था इसका एग्ज़ाम। 3 दिन इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था, 23 जुलाई और 30 जुलाई और 6 अगस्त, मतलब 3 दिन इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था CISF का। और इसकी जो है आंसर की मतलब जारी कर दी गई है आयोग की तरफ से। इसकी जो आंसर की आएगी 10 अगस्त 2023 को इसकी जो है आंसर की भी जारी कर दी गई है। इसका जो है PST पहले क्या है सर, PST हुआ था, और मतलब डॉक्यूमेंटेशन हुआ था इसका, मतलब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं PST और डॉक्यूमेंटेशन हुआ था इसका, तो PST इसका हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम भी इसका जो है हो चुका है। आंसर की इसकी जो है जारी कर दी गई है, इसकी जो है रिवाइज आंसर की जारी नहीं की जाएगी। आप लोगों ने जो है आंसर की से अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो है रिजल्ट आना है, मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए इसका जो है रिजल्ट जारी होगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए इसका जो है रिजल्ट आना है। तो इसकी जो है मैं कट ऑफ बताऊँगा, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी टाइपिंग के लिए, इसकी मैं जो है कट ऑफ बताने जाऊँगा कट ऑफ क्या रहेगी। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग में जो है इसमें जो टाइपिंग मांगी जाएगी, इसमें जो टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में जो है 35/30 मिनट मांगी जाएगी, और हिंदी की जो है 30/30 मिनट मांगी जाएगी टाइपिंग। आपको दोनों में से जो है एक टाइपिंग आना चाहिए। तो इसमें जो है टाइपिंग मांगी जाएगी 35/30 मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में जो है 30/30 मिनट मांगी जाएगी। और इसका जो सैलरी जो ग्रेड पे है, इसकी सैलरी है 5200 से 2200 इसकी सैलरी, और इसका जो ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे है इसका, 2400 ग्रेड पे पर जो है ये भर्ती है। इसमें जो है टोटल ये जो है 2019 की भर्ती है, टोटल पोस्ट में जो 429 हैं। इसमें जो एग्ज़ाम दिया है लोगों ने 1,66,650 लोगों ने इसमें जो है एग्ज़ाम दिया है, 1,66,650 लोगों ने जो है इसमें एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी लोगों ने मतलब इसमें एग्ज़ाम दिया है। तो इसकी मैं जो है कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसकी जो है कट ऑफ लो रहेगी वैसे मेरे हिसाब से। तो इसकी जो है टाइपिंग के लिए मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, तो आपके आंसर की समझाने के बाद अगर आप कितने नंबर बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद जो है आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ आएगी। तो इसकी जो है टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रहेगी जनरल में, अगर आपके 72 नंबर आपके आ रहे हैं 72, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, और आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है जनरल में। और OBC में अगर आपके 71 नंबर आ रहे हैं और इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, 71 नंबर आ रहे हैं आपके आंसर की समझाने के बाद, तो आप बिल्कुल सेफ हैं इसमें टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा इसमें। और SC में अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं आंसर की समझाने के बाद, तो आप बिल्कुल सेफ है टाइपिंग के लिए, आपको बुला लिया जाएगा, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप। और ST में अगर आपके 68 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं इसमें, और इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं।
और EWS में अगर आपके पैसे नंबर आ रहे हैं और इसमें भी प्लस माइनस टू कर सकते हैं हम, तो आप टाइपिंग के लिए जो है बिल्कुल सेफ है। टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। टाइपिंग के होने के बाद जो है आपका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल होने के बाद आपकी जो है फाइनल कटऑफ आएगी, फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैंने जो है इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है कि इसकी कटऑफ क्या रहेगी, टाइपिंग टेस्ट मतलब टाइपिंग के लिए कटऑफ क्या रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। फिर इसकी में जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और एनालिसिस करके थोड़ा फाइनल कटऑफ बताऊँगा आपको, फाइनल कटऑफ कितनी जाएगी। वैसे फाइनल कटऑफ मेरे हिसाब से इससे 2-3 नंबर ही बढ़ेगी फाइनल कटऑफ। टाइपिंग मिलाने के बाद जो है जितनी मैंने ये नंबर बताए हैं टाइपिंग के लिए, इससे जो है 2-3 नंबर या 4 नंबर बढ़ सकती है कटऑफ, फाइनल कटऑफ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।